नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी को बताने वाली बात तो है नहीं कि हमारे मीडिया के माध्यम से और एक वैश्विक महामारी से पूरा दुनिया, पूरा देश इस समय एक संकट से जूझ रहा है, जो कि कोरोना नाम की संकट है और एक वैश्विक महामारी में परिवर्तित हो चुकी है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि 21 दिनों तक लोगों को लॉकडाउन की अपील की है और बोला है कि इसको थर्ड स्टेज यानी कि इसके चेन ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि इसके बढ़ते क्रम को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए लॉकडाउन बहुत ही जरूरी था। तो दोस्तों, आप लोग को जैसा अवगत हो रहा होगा कि पूरी दुनिया ही एक घर में समा गई है और हम लोग को इस कोरोना महामारी से ही नहीं, इस वैश्विक महामारी के माध्यम से और एक सामाजिक महामारी हमारे अंदर पैदा हो गई है, खौफ पैदा हो गया है। हमें इस खौफ को दूर करना है क्योंकि मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो हमारे साथ हमारे प्रख्यात गुरुदेव जी हैं जो कि एक हिंदी के प्रवक्ता हैं केंद्रीय संस्थान में और आयुर्वेदाचार्य भी हैं, बड़े वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य हैं। या आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जीवन के अनुभव के आधार पर कुछ चीज़ें साझा करेंगे जिससे आप एक इस मानसिक तनाव को दूर करें और जीवन में प्रगति करें। माननीय गुरुदेव, बहुत अच्छा आपने बताया अस्तु जी। दरअसल हमारे जीवन में जो भय का स्थान है वह नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने जब स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी तो उन्होंने पहला जो उद्घोष उनका था कि भय मत करो, और वो वहाँ से नहीं आया। ये भारतीय जो धर्म ग्रंथ उपनिषद वहाँ से है कि अगर हम सब प्राणियों में आत्मा को देखते हैं तो हमें कभी भी भय, तो बिल्कुल भय नाम की कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। तो आप कदापि भय मत करें किसी भी प्रकार से, लेकिन भय मत करने से तात्पर्य उच्छृंखल हो जाना अथवा मनमानी कर लेना नहीं होता। उससे तात्पर्य हम नियमों में रहें, जो सरकारी गाइडलाइंस है उसका पालन करें। लेकिन अब जो हमारे मन में हो गया कि घर में ही रहना है, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मेरे को तो कोई काम ही नहीं है, ये जो फोबिया है, मानसिक फोबिया है, बहुत खतरनाक है। इससे हम लोगों को बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप घर में बैठे कर सकते हैं। अब इस समय पूरे विश्व में देखिए, बाबा रामदेव से लेकर के सब लोगों ने योग का प्रचार कर रखा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी लोग हैं, चाहे वो आस्तिक हैं, चाहे नास्तिक हैं, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, योग का डंका सभी लोग मानते हैं। तो आप सुबह अपना उठें और योग करें। योग में आसन, कुछ आसन आप देख लें जो आप कर सकते हैं। आप यूट्यूब के माध्यम से जैसे भी सर्च करें, हम लोग भी चैनल्स पर बहुत सारे आपके योग के वीडियो हैं, आप वहाँ देखें और उसको करने का प्रयास करें। सुबह और शाम दोनों समय आप योग करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो सबसे बढ़िया तो मेडिटेशन है, क्योंकि ध्यान के बराबर तो कुछ है ही नहीं पूरे संसार में। मानसिक ध्यान के द्वारा हम अपने भीतर पहुंच सकते हैं और अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। तो आप मेडिटेशन अवश्य करें। और जो ब्रह्म कुमारी की गाइडलाइंस है, तो ब्रह्म कुमारी में तो एक चाहे घंटे भर चाहे चार घंटे पर आप एक मानसिक सेटअप करें कि कुछ देर बाद आपको परमात्मा की याद आनी चाहिए। अगर आप वहाँ से आपका कनेक्शन है तो आपको कभी भी बोरियत नहीं होगी, आप अपने में स्थित रहेंगे, अपने में प्रसन्न रहेंगे। अब इसके बाद आपको बताते हैं लौकिक कार्यों में। देखिए, अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है तो सबसे अच्छा गार्डनिंग कर सकते हैं, पेड़ों को पानी दे सकते हैं, पेड़ों की खाद छाट कर सकते हैं। और नहीं जगह है तो पॉलीथीन की थैलियों में कैसे भी मिट्टी लगा के नई चीज़ों के बीज तैयार कर सकते हैं, नए फूल पौधे लगा सकते हैं आसपास उपलब्ध चीज़ों से, ये बहुत ही अच्छा है। और देखिए, बहुत सारे लोगों को फेसबुक पर भी पेंटिंग्स आ रही हैं कि वो लोग अपने पेन से, पेंसिल से, अपने नोटबुक पर कहीं भी पेंटिंग बना रहे हैं। कुछ लोगों तो मैंने देखा जिनके पास पेंट्स वगैरह रखे थे तो घर में ही पेंट करके अपना बता रहे हैं लोगों को, अपने दिखा रहे हैं, क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत सकारात्मक कदम है। इसके अलावा जो सबसे अच्छी, भाई मेरे तो पुस्तक पढ़ने में सबसे बहुत आनंद आता है, तो समय है आपके पास तो क्यों ना आप पढ़ें। पढ़ने में देखिए कितने चीज़ हो सकते, उपन्यास, कहानी, लोगों की जीवनियाँ, लोगों के प्रेरक प्रसंग, बहुत सारे किताबें हैं जो कि आपके घर में होंगी, कहीं मांगने भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं है तो देखिए, बच्चे पढ़ने वाले हैं 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक, 11, 12 तक, उनके पाठ्यक्रम में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। तो बुजुर्गों से तो मेरा यही कहना है कि उन कहानियों को पढ़ने का पूरा प्रयास करें। पाठ्यक्रम की कहानी को आप देखेंगे कि आपने कभी पढ़ा नहीं, कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ पाठ्यक्रम होती हैं, कितने प्रेरक प्रसंग पाठ्यक्रम होते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको अपने नाती पोतों से भी लगा होगा, जो बुजुर्ग लोग हैं। और जो बच्चे हैं वो तो अपना होमवर्क करें, अपना रिवीजन करें, उससे तो बढ़िया कोई काम है ही नहीं भाई, घर से ही पढ़ें। और सरकार के दिशा निर्देश है कि आप ऑनलाइन पढ़ें, तो आप ऑनलाइन में देखिए जितने भी CBSE वगैरह पोर्टल्स हैं, इसके बाद यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रेरक पर्सन्स लेके अच्छी चीज़ें डाल रखी हैं। तो एक मौका है आपको
इन सब चीज़ों को करने का। और इसके अलावा जो मैं आपको बताऊं कि आप देखिए कि आपकी हाबी क्या है, अपने भीतर से सोचिए। अब उस हाबी को भी डेवलप करने का प्रयास कर सकते हैं कि आपकी हाबी को हम डेवलप करें। इसके अलावा भाई फ़ोन आपके पास है तो अपने जिन लोगों से आप अभी तक हाल चाल जिनका नहीं ले पाए हैं वह सारा आप हाल चाल ले सकते हैं, है ना। तो आशुतोष जी अगर आप और कुछ कहना चाहें तो बताइए। तो हमें यह अनुभव गुरु जी के माध्यम से प्राप्त हुआ है कि जीवन में हमें कदाचित अकेला नहीं लगना चाहिए। व्यक्ति देखिए, हमारा संसार ही हमारा घर है और हमारा घर ही हमारी ताकत और हमारी ताकत ही हमारी देश की शक्ति है। आपको मैं बता दूं कि अगर हमारे देशवासियों एकदम सुचारू रूप से 22 से 25 दिन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक अवगत है 21 दिन का, मैं 25 दिन जोड़ता हूं, अगर आप लोग एक घर में यथास्थिति बनाए रखेंगे तो ये चेन और ट्रांसमिशन टूटेगा और जब ये बीमारी थमेगी तभी देश प्रगति करेगा। तो माननीय गुरु जी ने ऐसी कुछ बातें कही जो आप दिनचर्या में लागू कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे गुरु जी ने कहा, उठेंगे आप लोग कथाओं को पढ़ सकते हैं, प्रेरित करने वाली किताबें पढ़ सकते हैं, अपने जो सब्जेक्ट है आपका सिलेबस है जो छूटा उसको आप एक बार आत्मसार कर सकते हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। कभी कभी तो कुछ बच्चों का मैंने सुना है कि बहाना बनाते हैं कि हम पढ़ नहीं पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। अरे पढ़ने के लिए भरपूर समय आपको 24 घंटे 7 दिन मिला हुआ है। तो माननीय गुरु जी की बातों को आप लोग अपने कंठस्थ करेंगे मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।